बच्चा होने वाला है, हम तो एकदम डर गए थे यार मैया। जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होंगे? अभी पहली बार है ना, तो कैसे इतना मतलब सब सहन हो पाएगा? हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज है 27 तारीख, और आज मेरा तबीयत कल से ठीक है, ठीक नहीं इम्तिहान है, बहुत ठीक है, क्योंकि चल ले रहे हैं, थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू लगा ले रहे हैं, काम धीरे धीरे कर ले रहे हैं, लेकिन तो अभी काम कर रहे हैं। तन नहीं पहले की तो खाइबे करा की तो बोलबे करा, देखे तो कचरा मांस बीन बीन खा रही है। और सुबह सुबह हम कीवी अनार खाए हैं, और आज जाना है अल्ट्रासाउंड के लिए। आज जाएंगे अल्ट्रासाउंड मोहन कराने, जाना नहीं सुनाई तो नहीं। आज जाएंगे अल्ट्रासाउंड कराने। तो दोस्तों आज जाना है, अल्ट्रासाउंड कराने कि देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्यों पेट में दर्द हो रहा है इतना और सीने में क्यों इतना दर्द हो रहा है। तो जाएंगे अल्ट्रासाउंड कराएंगे, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। हम मोटाई लगी खा घंटा मोटा था। इतनी तो दोस्तों अभी कन्हैया बना रहे हैं रोटी, खाली 5 ओटी बनाए हैं, 5 ओटी बस। सही, बस लेडीज करते हैं, तीन ही चार है खाली। और ये सब्जी बन रहा है, बन गया, बन गया। ओ माय गॉड, जल रहा है बहुत तेज। तो दोस्तों अभी शाम में जो बना था खाना, मैक्रोनी, मैक्रोनी तो हमको नहीं मिला था, सब अकेले खा गए थे। तो सुबह में बचा था तो वही गर्म गर्म करके चल रहे हैं खाएंगे। भूख लगा है ना। आज खाने में रोटी है, चावल है, मतलब समझ में नहीं आता, और सब्जी है सोयाबीन की। क्या होता है, कहाँ खाना मीठ लगा था, दिमाग को एकदम खराब हो जाता है, दिमाग को नहीं बतुआ रहे तो खराब होता। दोस्तों अभी समय हो रहा है 10:30, और अभी हम लोग जा रहे हैं बाबू को टेस्ट कराने, अल्ट्रासाउंड जांच कराने की। अभी पहली बार जांच करा रहे हैं उसका कि ठीक ठाक है कि नहीं, और कितना समय हुआ अभी, और क्योंकि डिक्लेयर मालूम नहीं है तो जांच करके पता चलेगा कि बेबी मतलब सही से पल रहा है कि नहीं, सही से बढ़ रहा है कि नहीं, सही से उसको भोजन पानी मिल रहा है कि नहीं, सही से उसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। भोजन पानी खाएंगे तो खाए नहीं तो कैसे बढ़ेगा। तो उसका वो जांच होगा तो उसके बाद हम लोग मतलब संतुष्टि मिल जाएगी, शांति की, हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि कई दिन से इनका तबीयत सही नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है। ठीक, निकलते हैं। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं भगतपुरवा गाँव में, तो बाइक बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं आशा वाली का कि कब आएँ और कब ले आके चलें कि कौन सा हॉस्पिटल जाना है। शायद यही, अरे कौन है, चरगावा, चरगावा जो सरकारी हॉस्पिटल है वहीं शायद जाएं। तो ठीक है निकलते हैं, और अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि आशा वाली आ जाएँ, उसके बाद निकलेंगे। तो गाइस अभी पहुँच चुके हैं जहाँ अल्ट्रासाउंड का जाँच होगा, यही वो जगह है, क्या नाम है इसका, केयर डायग्नोस्टिक कैसे कुछ नाम है। तो यहाँ होगा अल्ट्रासाउंड का जांच, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है। तो अभी जांच हो चुका है और इसके बाद अभी रिपोर्ट नहीं मिला है, अभी रिपोर्ट थोड़ी देर बाद मिलेगा। तब तक हम यहाँ चरगावा हॉस्पिटल जो है यहाँ हम पर्ची कटाते हैं, दवा ववा लेते हैं, जो भी दवा लेना है। तो अभी हॉस्पिटल पे पहुंच रहे हैं, यह है चरगांव का, ये महिला वाला है, अच्छा हाउ वाला, बच्चे वाला। तो दोस्तों ये पर्ची कटा चुके हैं, फिर अंदर ले खेलते हैं हॉस्पिटल में। तो दोस्तों यहाँ सुबह से आए आए लगभग 2 बज गया, और अभी तक हॉस्पिटल के अंदर हैं हमारी वाइफ, और चेक हो रहा है, जो भी क्या बोलते हैं, यूरिन टेस्ट हो रहा है और बीपी टेस्ट हो रहा है, सब कुछ टेस्ट हो रहा है। फिर देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है, आप सभी को ज़रूर दिखाएंगे, ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों अभी पर्ची पे दवा लिखा चुका है, और ये है कौन सी रिजल्ट, बोले रिपोर्ट है अल्ट्रासाउंड का। तो अभी घर चल के आप सभी को दिखाएंगे। तो अभी यहाँ कुछ बीपी भी टेस्ट कराना है, टेस्ट कराते हैं फिर निकलते हैं घर।
तो दोस्तों अभी बैठे बैठे यहाँ लगभग 2:30 बजे से ऊपर हो चुका और अभी तक हमारी वाइफ एक बार निकली हैं, फिर अंदर गई हैं बीपी चेक कराने के लिए। तो देखते हैं अभी कब तक निकलती हैं और इंतज़ार करते करते एकदम तो अभी पर्ची बन चुका है दवा का और जाके मेडिकल स्टोर से दवा लेते हैं। कुछ दवा मिल चुका है और कुछ दवा नहीं मिला है, मेडिकल स्टोर से जाके लेते हैं, बाहर से लेते हैं। सब ये पार करना है हाईवे, उस पार जाना है, कई चक्कर मार चुके हैं। तो गाइस अभी मेडिकल स्टोर पे पहुंच चुके हैं, फिर यहाँ दवा लेते हैं और देखिए कितनी सारी दवाइयाँ रखी हैं। तो दोस्तों मेडिकल से दवा ले चुके हैं और लगभग 1000 रुपये लाए थे और 1000 रुपये थोड़ा लग गया दवा में। ये इतना ढेर सारा दवा है, सब 1000 रुपये थोड़ा लग गया और इसको कह रहे कि इसे बढ़िया मर जाए, दवा नहीं खाई। सुबह तो बाहर शाम है, दो दो सारा दवा लेके चलते हैं रूम पे, वहाँ बकायदे से देखेंगे क्या खाना है क्या नहीं। तो गाइस अभी आ चुके हैं रोड पे और गाड़ी पे सबको बैठाते हैं और शायद दिखाई दे रहा होगा। तो आ चुके हैं घर पे, थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर आप सभी को बताते हैं क्या मैटर है, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सही हुआ है। तो दोस्तों अभी मेडिकल से लौटे हैं तो लेकिन खाना नहीं था घर पे, तो अभी देखें कल का ब्रेड बचा पड़ा था तो अचार का मर्चे का अचार लिए हैं और खा रहे हैं, क्या बात है। मस्त लग रहा है। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं सड़क पे, सड़क पे नहीं आए, निकल लिए हम लोग अभी पार्क जाने के लिए। बस वहाँ जाएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, थोड़ा सा मौसम का मजा लेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। बहुत दिन के बाद थोड़ा तबीयत सही हुआ है तो थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, तो सोच रहे हैं थोड़ा सा निकलने के लिए। और ये साड़ी बहुत दिन से सब खरीदी थी लेकिन तबीयत नहीं सही था, इसकी वजह से कहीं जा नहीं रहे थे तो कहीं पहन नहीं रहे थे। चलिए ठीक है, आगे मिलते हैं सीधा वी पार्क में। तो भाई अभी पहुंच चुके हैं वी पार्क के पार्किंग में हैं और यहां से पार्किंग से सीधा निकलते हैं पार्क में। 9634 और 6588। तो टिकट ले चुके हैं पार्किंग का, 10 के झालमुड़ी बनाइए 5 जगह, ठीक देख रहे आपका 50 रुपया। पानी ले लो कन्हैया। तो बहुत अच्छी तरीके से झाल में बना रहे हैं कन्हैया। अभी हमारे लिए तो अभी एंट्री करने जा रहे हैं विपाक में कन्हैया। खा दिया स्लो मोशन पर बने भाई। कौन वीडियो हम नहीं देखा है, हमकी वीडियो नहीं देखा कही है, हम ना दिखाई। तो अभी पार्क में टहलते टहलते थक चुके हैं और बैठे हैं कहीं ऐसा सड़क पे बैठ चुके हैं देखिए, और बैठे बैठे बस ऐसे थोड़ा सा आराम करते हैं, उसके बाद फिर टहलेंगे घूमेंगे, देखते हैं घूमते घूमते कहाँ जाते हैं। सब मस्ती कर रहे हैं। दोस्तों बज चुका है 7, इस समय हम लोग निकल रहे हैं भी पार्क से वापस, वापस जाएंगे, खाना दाना भी बनाना है ना, तो बनाएंगे खाएंगे फिर आराम से सोएंगे, पेट में बहुत तेज भूख लगा है। अभी यहाँ गाड़ी है, गाड़ी की चाबी कहाँ है पता नहीं। अभी पहुँच चुके हैं रूम पे, आप खाना दाना बनेगा और खाएंगे, देखिए खाना दाना।
तैयारियां चल रही हैं जोरों से। साग बनेगा आज, कितुक साग हो? सुरवारी का साग बनेगा। तो गाइस आज खाने में चावल और साग की सब्जी कैसा है? ये बंदर तुम दिखाई नहीं दे रही हो, कैसा है बाबू? कपर कपर खा के। हेलो गाइस, तो हम लोग आए हैं हॉस्पिटल से, ज़्यादा लेट हो गया, इसके वजह से ये वीडियो नहीं बता पाए कि रिपोर्ट नहीं दिखा पाए, तो आप सभी को अब रिपोर्ट दिखाते हैं। ये रहा रिपोर्ट, और मोबाइल का ब्राइटनेस कम हो गया क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं है। ये रहा रिपोर्ट, आप सब देख लीजिए, और दो पेज हैं इसमें लिखा है कि मतलब सब कुछ नॉर्मल है। पढ़ा हूँ थोड़ा सा, उतना जानकारी तो नहीं इस बारे में, लेकिन थोड़ा मोड़ा पढ़ा हूँ। और बेबी जैसे कि जब बच्चा किस महीने में मतलब पैदा हो सकता है, तीसरे महीने में 2023 पाँच तारीख को, 5/3/2023, तो अब की 30 तारीख आएगा तो दो महीने पूरा हो जाएगा। तो यही रहा अल्ट्रासाउंड का जो रिजल्ट है। और डॉक्टर ने कहा जब, सबसे बड़ी बात ये है, बवाल पूरा हम लोग सुन रह गए कि डॉक्टर ने एक छोटा सा हमारे साथ मजाक कर लिया है। क्या किया? मजाक नहीं किया, उनको